क्योंकि कल हम एक नया एक अच्छा सा अचीवमेंट हासिल कर लेंगे। इस चीज़ को पार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत बट बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग फाइनल टच दे दिया है। हेलो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। और अब देखिए, अब आपको पूरी तरीके से कम्प्लीटली पता चलेगा और ये कैमरा ऑन है कि नहीं। आपको दिख रहा होगा क्लियरली कितने दिनों से किसके लिए मेहनत चल रही थी, इतने दिन से इसी के लिए मेहनत चल रही थी। तब आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए और स्वागत करते हैं हमारे फिर से एक अच्छे से ब्लॉग पे। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं रिवर का, फाइनली कास्टिंग का टाइम आ चुका है। जो पिलर काफ़ी दिनों से पेंडिंग था या जिस काम के लिए हम काम कर रहे थे वही काम सारा पेंडिंग था, वो काम स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। वैसे तो मेरा नाइट शिफ्ट था तो सोचा कि आपको दिखा दूँ। अभी मेरा गाड़ी आया नहीं है, अभी ऑलमोस्ट गाड़ी आने वाला है तो सोचा आपको दिखा दूँ मैं कि आज क्या होने जा रहा है। आज रिवर का फर्स्ट कास्टिंग होने जा रहा है। काफ़ी टाइम से तो इसके लिए बहुत मेहनत करी हम सब ने पूरी स्टाफ ने और इंजीनियर जो भी स्टाफ था, हरिवर का जो भी स्टाफ था, सब ने बहुत मेहनत करी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है इस यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि आज क्या होने जा रहा है नाइट। अभी ये कंक्रीट 900 या आई थिंक 930 और MQ कंक्रीट है जो बहुत ही एक लार्ज अमाउंट के अंदर कहा जाता है। और मेरे पीछे देखोगे, ये देखो वहाँ पर चल रहा है कॉन्क्रीट, फिर यहाँ से एक इसका भी कॉन्क्रीट होगा बट इसको तो अभी टाइम है। यहाँ भी होगा, अभी तो काफ़ी टाइम है यहाँ पर, लेकिन अभी फर्स्ट वाला जो था उसको रेडी करने के लिए जा रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे। वैसे तो हल्का मेरा गाड़ी आया नहीं है बट गाड़ी आने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि हल्का फुल्का दिखा दूँ, फिर नाइट में तो है ही क्योंकि ये कॉन्क्रीट काफ़ी लंबा। तो आप सब ब्लॉग पे बने रहना और देखो मेरे पीछे, फिर मैं कैमरा बैक करके दिखाता हूँ, ऐसे पता नहीं चलेगा। मेरे पीछे रिवर एरिया अभी यहाँ का तो चल रहा है, यहाँ का प्रिपरेशन चल रहा है, जब नेक्स्ट होगा तब ये होगा। मैं कैमरा पैक करके दिखाता हूँ। ये देखो ये 16 पाइल कैप को कास्टिंग करके एक पिलर कास्ट किया जाएगा उसकी तरह। तो हर एक इसका तो मुझे पता नहीं इसका क्या सीन है, अंदर कितना पाइल किया गया, लेकिन बुलेट ट्रेन का जो है इसके अंदर 16 को एक पिलर 16 की पाइल को कास्ट किया जाएगा, उसका एक पिलर रेडी किया जाएगा। तो सेम वैसा ही किया जा रहा है वहाँ पर भी। और ये है रिवर फ्रंट एरिया। चलो आगे चलते हैं, मैं आपके आगे आपको बताते हैं क्या किया। देखो अभी इसका काम चल रहा है, उसका पूरा हो चुका है इसलिए उसका आज कास्टिंग होने जा रहा है। तो चलो कैमरा दिखाते हैं हम आपको। बूम प्रेशर लग चुके, तीन चार बूम प्रेशर आए क्योंकि कोई मिस्टर बूम प्रेशर ख़राब भी हो जाएगा तो एक अल्टरनेट में रहेगा हमारे पास जो कॉन्क्रीट कंटिन्यू दे सकें। तो चलो हम आपको दिखाते हैं कि क्या है। ओ फाइनली उस टच पर आ ही गए हम। पिछले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था ना आपको कि फाइनल टच देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो मौका आ चुका है तो हम आपको दिखाते हैं अभी। देखो अभी उसी की तैयारी चल रही है, देखो आप कंटिन्यू पूरा प्रिपरेशन है, बस खाली पूजा वूजा होगी और फिर कास्टिंग स्टार्ट किया जाएगा। अभी सब कुछ प्लानिंग चल रही है, सारे के सारे प्लानिंग पर है। देखो मैं पीछे कैमरा पैक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। अभी सब के सब कंक्रीट की तैयारी में लगे हुए हैं। अपन तो टाइम हो गया घर जाने का, देख सकते हो क्या दूसरा रेडी कर रहे हैं जैक वैक लगा कर ताकि कंक्रीट चालू होते ही सब कुछ रेडी हो जाए। यार बढ़िया ब्लॉग व्लॉग हम लोग को भी डालना है। दिव्यांश भाई बोल दो एक बार। अरे दिलीप भाई आए बोल दो, सबके सब ब्लॉग में आओगे भारत के बड़े बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में। चलते हैं रूम पे, फिर नाइट के अंदर दिखाएंगे आपको कि आज पूरा दिन कंक्रीट चलेगा। दिव्यांश हाय बोल दे, एकदम सेक्सी लग रहे हो तुम। हाय
वो देखो बूम रेडी हो चुका है फॉरकास्टिंग के लिए। आ जाएंगे रात को इतनी टाइम भी जितनी टाइम पे जा रहे हैं हम। कल कौन सा इतनी टाइम? चलो लेट्स गो। चलो ठीक है, गाड़ी में एक भी पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल पंप तक बस जाएगी गाड़ी। नदी का ड्रीम ट्रू हो रहा है काफी महीनों बाद, महीनों के बहुत मेहनत लगी दिन रात करके ये और दिए फिनिशिंग पॉइंट। पूरा आदमी इधर ही असल। तो गाइस अभी सोते हैं थोड़ा एंड रात को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि कहाँ तक ब्लॉगिंग हुआ है। तब तक के लिए गुड नाइट और नींद आ रही है मुझे जोरों से। ठीक है बाय। देखेंगे कि कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, वो तो नाइट में पता चलेगा, नाइट का शिफ्ट है मेरा। अभी तो सो अभी तो घर आ गया था, अभी नहा कर सो गया था, वापस आँख खुली, सोचा कुछ खा लेता हूँ क्योंकि नाइट करने के बाद आँख खुलती नहीं है ना इसलिए। ठीक है तो ठीक है बाय बाय, मिलते हैं रात को, देखेंगे कहाँ तक कंप्लीट हुआ है और रात को अच्छी तरीके से बताएंगे मैं आपको। ठीक है बाय। गुड इवनिंग। नाइट पूरा डे निकाल कर आराम तो हुआ नहीं मुझसे, मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था मकर संक्रांति वाला, तो आराम तो किया ही नहीं मैंने। और एडिट किया फिर उसको अपलोड किया, फिर थोड़ा घर का काम था रूम का वो किया, करते करते टाइम हो गया तो फिर ऐसे हो गया। तो आगे हम साइड पर तो अभी ऑलमोस्ट कंक्रीट हो ही चुका है, हम आपको ऐसा कैमरा करके दिखाते हैं। तो अभी आप पीछे देख सकते हो मेरे, ये जो एम क्यूब हो रहा है ये काफ़ी हाई अमाउंट में हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में हो रहा है। इसका ऑलमोस्ट 950 एम क्यूब कॉन्क्रीट हो रहा है, जो रिवर का वो है, जो 950 एम क्यूब हो रहा है। 950 एम क्यूब मतलब बहुत होता है। आज सुबह चालू हुआ था, आज पूरा दिन चला है और आज 2-3 बजे ख़त्म होगा, तो ये बहुत लार्ज अमाउंट में कॉन्क्रीट चल रहा है। और ये रिवर का जो ब्रिज है बरना बुलेट ट्रेन का ब्रिज, उसका पिलर के लिए कास्टिंग ये हो रहा है, पेयर ये देखो ये हो रहा है, ये आप देख सकते हो ऊपर से, ये ऊपर का रिवर का व्यू है, जो हम जिस पर खड़े हैं वो एक हाइट है, उस हाइट से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। हेलो हाय, देखो सारे के सारे सब ने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया है और सबके सब सुबह से खड़े, और वो देखो कैमरा में हाय भी कर रहे हैं, हाय 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 सब कैमरा में हाय कर रहे हैं। तो ये जो मतलब अच्छा लगता है मुझे जब ये सब लोग कैमरे में आने की कोशिश करते या कैद होने की कोशिश करते, तो मुझे ये पता चलता है कि मेरा कैमरा कितना प्यारा है सबको, क्योंकि जो मैं कैप्चर करता हूँ वो एक मोमेंट है। जब ये सारा काम हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें यादगार रहेगी एंड सारी चीज़ें देखने को सीखने को रहेगी। ये जो आप सीन देख रहे हो, ये रिवर ऊपर ट्रेन चल रही है और मैं कहाँ बैठा हूँ, देखो इस हाइट पर बैठा हूँ आप सबको बुलेट ट्रेन की अपडेट दिखाने के लिए। अभी हमने एक न्यू अचीवमेंट हासिल किया है, आज ही काफ़ी मेहनत के बाद काफ़ी टाइम के बाद पेयर कैप का जो काम था फाइनल टच हो चुका है। और वो मतलब और डेली कुछ ना कुछ हम इस प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ न्यू ये अचीवमेंट हासिल कर ही ले। बुलेट ट्रेन का स्टेशन का जो स्लैब था वो भी स्लैब का कास्टिंग वो भी ऑलमोस्ट रेडी, तैयारी पर है, रिप्रोसमेंट उसका भी चल रहा है, उसका भी हम आपको अपडेट दिखाएंगे। लेकिन आज फिलहाल आज रात को हम पूरा आपको दिखाने वाले हैं, मतलब आई थिंक देख लिया होगा आपने, तो हम नीचे चल के दिखाते हैं मैं आपको। और ऐसे कैमरा बैक अब उड़ जाते हैं थोड़ा, ऐसे करके दिखाते हैं, देखो नीचे दिख रहा होगा वो एक बूम प्रेशर, दूसरा बूम प्रेशर कंटिन्यू कंक्रीट चालू है देखो, और ऊपर ट्रेन भी खड़ी है। और जो हमारा ब्रिज बनेगा वो काफ़ी ऊपर बनने वाला है, ये जो नॉर्मल जो ट्रेन है इससे काफ़ी ऊपर हाइट पर जाने वाला है हमारा ब्रिज जो बनेगा बुलेट ट्रेन का। सो तो सून देख, अभी लग रही है अपन को भूख और जाकर खाना खाते हैं, देखते हैं आज खाने में क्या है। कंक्रीट हो गया है ऑलमोस्ट, और तब तक हम चलते हैं खाना खाने के लिए, उसके बाद हम देखते हैं क्या है। Can I get a minute? I want to talk something that I really mean. Can I be your gentleman? खाते हैं, ऑलमोस्ट कंक्रीट कंप्लीट अभी है, फाइनल टच पर है और रात के 2 बज रहे हैं, सॉरी 2 नहीं 1 बज रहा है,
और फाइनल टच देने जा रहे हैं सब। आपको कैमरा बैक करके दिखाता हूँ मैं फाइनल। अभी ये पेयर कैप को फाइनल टच दे जा रहा है, वहाँ से फाइनल टच दे दिया है और यहाँ का बाकी है। कंग्रेचुलेशन, वो देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन हो चुका है हमारा, फाइनली हो चुका है, सुबह तक हो जाएगा फाइनल, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो देखो वहाँ से कंप्लीट होता 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 और बस इतना बाकी रहा है, वो भी हो ही जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रात को काम की वजह से गाड़ी में आग लग गई थी, पता ही नहीं चला। अभी सुबह के बज रहे हैं हमारे पास अप्रॉक्स 6 बज रहे हैं और ये देखो कितना बाहर ठंड है, ठंड कितना है देखो, बहुत ज़्यादा ठंड है। चलो हम बाहर दिखाते हैं हम आपको कितना ठंड है बाहर। ओह माय गॉड, सीरियसली इतना ज़्यादा पानी, बहुत ठंड है बाहर। सो तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, कास्टिंग वास्टिंग सब कुछ हो चुकी है। फाइनली हम सब ने, आपने, हम सब ने, रिवर का, आप सब, रिवर का जितना भी स्टाफ है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और वो नीचे देखो कास्टिंग हो चुका है, अब कास्टिंग हो चुका है पूरा इसका पेयर कैप का, और अब इसके ऊपर का अब पिलर जो उसका कास्टिंग होगा वो होगा। चलो आपको नीचे लेके चलते हैं नीचे। इसका हो चुका है कंप्लीटेड, और अब देखिए अब आपको पूरी तरीके से कंप्लीट ही पता चलेगा। और ये कैमरा ऑन है कि नहीं, चलो ये तो ऑन ही है। अब आपको कंप्लीट ही पता चलेगा आपको अच्छे तरीके से कि वो जो चीज़ कास्टिंग हो रही थी वो क्या चीज़ थी। वो चीज़ ये थी कि इसकी रात को जहाँ मैं खड़ा था उस चीज़ को मैं बताना भूल गया। टावर वन कहाँ है, टावर वन से जिससे आगे लग रहा मुझे, टावर 2 टावर 3 और इसके आगे एक और बनाया जाएगा टावर 4। चलो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और इसी तरह के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब इसके बाद का जो शायद व्लॉग रहेगा वो रहेगा स्टेशन के स्लैब का, जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब उसका भी कास्टिंग की तैयारी में ही है। चलो अब चलते हैं नीचे, अब आज टाइम आ चुका है रूम पे जाने का, यानी कि अपने नाइट ड्यूटी सब था, पता ही आपको बता ही दी, अब क्या ही बताना है आपको, सब कुछ आप सब कुछ जानते ही हो। चलो चल, सभी को जो जो हमारी ब्लॉग को देख रहा है या सुन रहा है मुझे, इसके लिए दिल से थैंक यू, और अच्छे से एक ब्यूटीफुल व्यू के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। ये देखो व्यू, फ्रंट का व्यू, पीछे इसमें से जो भी पानी आ रहा है सारा पानी इसी में से बाहर वेस्ट बाहर निकाला जा रहा है। चलो शुभम, शुभम हाय बोल दो प्यार से एक बार यार, मैं तुम्हें सब आने को मरते हैं मेरे कैमरे में, तुम हो दूर दूर भाग रहे हो। नहीं बिल्कुल एकदम से प्यार से, आई लव यू। तो थैंक यू सो मच
आप सब ने इस ब्लॉग को इतना सपोर्ट दिया और चैनल पे हमारे बहुत ही जल्द 2.0 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसके लिए दिल से थैंक यू आप सभी को। एंड कीप सपोर्ट एंड कीप लव एंड कीप हसलिंग। और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, थैंक यू सो मच। और भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इधर के खाना था कल का, बहुत मस्त। मैं तो कहूँ डेली तुम ऐसे ही मंगाते रहो, डेली खाते जाए। बहुत झका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार।